तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको फरीदाबाद का स्मार्ट सिटी का नज़ारा दिखाती हूँ। मैं फरीदाबाद से मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ थोड़ी सी बारिश में कितना बुरा हाल हो चुका है। मतलब यहाँ स्कूल से बच्चे आने वाले हुए हैं और देखो घुटने घुटने जल भर चुका है। यहाँ कितने ही मंत्री MLA चेंज हो जाएं लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता। कितने ही प्रेसिडेंट बदल जाए, पैसे लेके सब बैठ जाते हैं लेकिन यहाँ कोई कुछ नहीं करता। तो फ्रेंड्स देखिए कितना पानी भरा हुआ है और कितनी बार हम लोग कंप्लेंट, मतलब हम इन्हीं सभी लोग कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन यहाँ है कोई भी ना सुनने वाला नहीं है। देखिए पूरी गली भरी हुई है, लोगों को आने जाने में कितनी परेशानी होती है। देखिए देखिए बेचारे कितने परेशान हैं, मतलब आना जाना कितना मुश्किल हो रहा है। फरीदाबाद की जनता देखिए, ये मंत्री MLA सिर्फ पैसे खा कर बैठ जाते हैं और हमारे घर के सामने रह जाती है सिर्फ गंदगी। ये है स्मार्ट सिटी, इसको कहते हैं स्मार्ट सिटी। अरे इससे अच्छा तो गांव में, मतलब गांव में पानी भर गया तो निकल तो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पानी की कोई निकासी नहीं है। देखिए हमारे घर के आगे कितना जल भरा हुआ है, उसके क्या ही कहने हैं। तो यहाँ देखिए गाड़ियाँ ऐसे आती हैं जैसे नाव चल रही हो। तो फ्रेंड्स एक गाड़ी आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से नाव चल रही है, ऐसे लगेगा आपको। ये देखिए ये हमारे घर के आगे का सीन है। ये देखिए फ्रेंड्स कैसी कोई गाड़ी आती है तो घर के अंदर पानी आ जाता है। ये देखिए ये है फरीदाबाद स्मार्ट सिटी का हाल, जहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, यहाँ पानी की कोई निकासी नहीं है। मतलब हम यहाँ अपनी प्रॉब्लम लेके कई बार प्रेसिडेंट के पास, पार्षद के पास, सबके पास गए हैं लेकिन वो लोग सिर्फ वोट लेके बैठ जाते हैं, जहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। और हम इतने परेशान हैं, हमारे बच्चे स्कूल से आते वक्त मतलब इतने परेशान होते हैं। आते तो गाड़ी में लेकिन कभी कभी हमें पैदल भी चलना पड़ सकता है, तो हम कितने परेशान होते हैं इस गंदे पानी में जाते हैं। और ये गंदा पानी तो फ्रेंड्स ये पानी ना कई कई दिनों तक नहीं निकलता और इतने मच्छर हो जाते हैं इस पानी में। मतलब कुछ दिन बाद डेंगू का हो जाएगा, मतलब डेंगू मच्छर इतने हो जाएंगे। और वैसे भी इतने मच्छर रहते हैं यहाँ पे, जिसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये पानी, जिसकी कभी भी कोई सुनवाई नहीं होती। क्योंकि हमने कई बार कंप्लेंट करी लेकिन हम क्या करें, हम तो जैसे का तैसा ही रहता है। कितनी वोट दे लो, कितने ही कुछ कर लो, मतलब कोई कुछ करने वाला ही नहीं है यहाँ पे। तो जो भी मेरे व्लॉग को देख रहे हैं तो फ्रेंड्स देखिए ये है स्मार्ट सिटी, मतलब घर के अंदर हम लोग कैसे और बाहर कैसे। मतलब बाहर इतना बुरा हाल है, देखिए पानी भरा हुआ है। तो ये है हमारा स्मार्ट सिटी फरीदाबाद, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी मतलब इसका नाम रखा हुआ है। लेकिन ये पता नहीं कहाँ से स्मार्ट है, बस घर के अंदर तक ये स्मार्ट लगता है। तो फ्रेंड्स इतने मच्छर हो जाते हैं ना यहाँ, कोई भी बीमारी हो जाती है, मलेरिया डेंगू, मतलब सबको इतनी परेशानियाँ होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके पार्क है पास हैं लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है यहाँ। मतलब सब कान से बहरे और आँख के अंधे हैं, मतलब किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। बस अपनी गाड़ी में निकल जाओ, आ जाओ, चले जाओ, बस किसी को कोई मतलब नहीं कि गली किस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना चाहिए। मैं यही कहूँगी जो भी मेरे व्लॉग को देख रहे हैं कि देखिए ना ही पार्षद काम कर रहा है, ना ही प्रेसिडेंट काम कर रहा है, कोई काम नहीं करता यहाँ। यहाँ इतनी परेशानी है ना, मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। सब ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन कोई ना काम नहीं करता, पैसे ले लेते हैं काम के नाम पे लेकिन काम कोई नहीं करता। काम एक पैसे का नहीं है, सब जो भी मतलब पैसा इकट्ठा होता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये गली गली का पानी, इतना गंदा पानी। अब ये कम से कम 7-8 दिनों तक इकट्ठा रहेगा क्योंकि यहाँ कोई निकासी नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि इसकी निकासी बनाई जाए। अगर मैं प्रेसिडेंट होती ना तो मैं सारी गलियों की निकासी बनवा देती, पर क्या करें।